मजबूत होगा। और इस बजट में आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, थोड़ा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष कृपया आप संक्षेप में, माननीय सदस्य संक्षेप में विषय रखें प्लीज। बोलिए बोलिए आप प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में बताया कि आज देश के एक स्वर्णिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम सभी देशवासी इसका साक्षी है। अवोन तो भारत चाहे तुम्हारे, एशो सुदर्शन धारी मुरारी, नवीन तंत्रे नवीन मंत्रे, करो दीक्षित भारत नर नारी, एशो सुदर्शन धारी मुरारी। अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सदैव महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इस वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है कि इस वर्ष आज़ादी के अमृतकाल की शुरुआत में बनाए नए भारत के भव्य नए संसद भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ये पहला संबोधन था। उन्होंने विश्वास जताया कि नई इमारत आज़ादी के अमृतकाल के दौरान विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति को पर रचनात्मक संवाद का गवाह बनेगी। अतुल प्रसाद बोलेछेन, भारत आबार जगत सबाय श्रेष्ठ आसन लबे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने भाषण में बताया कि अमृत कलश नामक अभियान के दौरान मेरी माटी मेरा देश पहले ही हिस्से के रूप 3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने पंच प्राण की शपथ ली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर इसी अमृत उत्सव के दौरान स्थापित किया गया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुमरा आमा के रक्त दाओ आमी तुम्हारे के स्वाधीनता देव। अमृत उत्सव के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का प्राण है, जीवन है, पूरा बंगाली समाज का जान प्राण है, वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय द्वारा आदिवासी वीर नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का भी उल्लेख किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गरीब के लिए समर्पित है। ये सरकार आज देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए फ्री में राशन देते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है पश्चिम बंगाल में ये राशन को लेकर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फेक राशन आईडी कार्ड बना के गरीब का अन्न लूट होते हैं और बाहर में बिकता है, इसका कालोबाजारी होते हैं। अभी राशन मंत्री भी जेल में है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतर्गत 70% महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर घोटाला हुआ। जिसको पाना चाहिए, उसको जिसका अधिकार है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिलता है। और जिसके पास 3-4 मकान है, तृणमूल का पंचायत सदस्य नेता मंत्री लोग है, उसके पास 3-4 करके प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जैसी योजना के अंदर 4,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सरकार, राज्य सरकार अभी तक केंद्र को नहीं दिया है, उल्टा ये सब लोगों को लेके आया और दिल्ली में आके धरना दिया, नौटंकी किया और बोलते हैं कि हम लोग को केंद्रीय सरकार पैसा नहीं देते हैं। जब तक हिसाब नहीं देंगे गरीब का पैसा कहाँ दिया है, तब तक केंद्रीय सरकार इन लोगों का पैसा नहीं देंगे। ये गरीब का पैसा लूट करते हैं। अध्यक्ष जी, जहाँ केंद्र की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, ये पश्चिम बंगाल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी शौचालय को लेके अभी कदमा नहीं लेते हैं तृणमूल सरकार ने। अध्यक्ष जी, हमें कभी आपने कभी देखे है कि ईडी सीबीआई के ऊपर हमला होते हैं? हमने देखे है पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई जब जांच करने के लिए जाते हैं तो हमने देखा है कि तृणमूल सरकार का बहुत करीब शेख शाहजहां चंदेश काली में उसका नेतृत्व में ईडी सीबीआई के ऊपर हमला होते हैं, ईडी सीबीआई को सर फटा देते हैं, ईडी का लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और जो शेख शाहजहां जिसका नेतृत्व में हुआ है वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, अभी तक इसका किसी का खोज नहीं है। तृणमूल का सब लोग जानते हैं वो वहाँ पे है, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहा है। कारण
মুখ্যমন্ত্রীর আঁচলের তলায় শেখ শাহজাহানকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ তুষ্টিকরণের রাজনীতি 30% ভোটের রাজনীতি পশ্চিমবাংলায় হয়। আর ইয়ে বহুত তাজ্জব লাগেগা কি ইয়ে পুরা পশ্চিম বঙ্গাল কা ক্যাবিনেট অভি জেল মে যা রা হ্যায়। খাদ্য মন্ত্রী জেল মে হ্যায়, শিক্ষা মন্ত্রী জেল মে হ্যায়, শিক্ষা কা পুরা ডিপার্টমেন্ট জেল মে হ্যায়। অভি তো মুঝে লাগতা হ্যায় পুরা পুরা ক্যাবিনেট বৈঠক ভি অভি তৃণমূল সরকার কা অভি জেল মেই হোগা। কল মুখ্যমন্ত্রী জি নে বোলা আগর হামকো জেল মে ভরেগা হাম তোড় কে জেল ভাগ জায়েঙ্গে। অভি ও জেল ক্যাসে তোড়তে হ্যায় কিসকা ট্রেনিং দে রহে অভি। अभी हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का जनता बोलते हैं, जो लोग जनता का पैसा लूटते हैं चोर धरो जेल भरो। लेकिन मुख्यमंत्री अपने सेना को अपने तृणमूल सरकार में जो लोग हैं उसको सिखाते हैं भाई जेल तोड़ो और जेल से भागो, जेल तोड़ो जेल से भागो। अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में का टीएमसी का सांसद अभी सुबह में बोल रहे थे कि चंद्रयान मिशन जो है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी क्यों ले रहे हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं ले रहे। हम 140 करोड़ जनता ले रहे हैं। ये सरकार में चंद्रयान का काम ये सरकार में हुआ, क्रेडिट ये सरकार को 140 करोड़ जनता को मिल रहे हैं। अगर इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार होते हैं वही सरकार का उसका जो भ्रष्टाचार का जो होते हैं उसका वो लाभ ले ले। पश्चिम बंगाल में जॉब के बात करते हैं कि पूरा देश में नौकरी नहीं हुआ, हम हमारे क्षेत्र हुगली का बात करते हैं, हुगली में सिंगूर में टाटा नैनो ने इंडस्ट्री लेके आया था सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसान के ऊपर बंदूक रख के टाटा को हटाया और खेती को भी बंद किया। अभी खेती भी नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है। अभी वो मॉडल पूरा गुजरात में चला गया, गुजरात में बहुत सारा लोगों को काम मिला, जॉब मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई जॉब करने वाला नहीं है। इस सरकार, ये केंद्रीय सरकार लास्ट 10 वर्षों में 18.7 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। अध्यक्ष जी, ये हमारे उधर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जॉब में भी पूरा नौकरी भी चोरी होता है, पैसा लूटता है। ये पश्चिम बंगाल बोलते हैं चाकरी चोर, बाली चोर, पाथर चोर, गोरू चोर, आरो माने যা যা আছে সব রকম সব কিছুতে চুরিতে এক্সপার্ট হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গ। অধ্যক্ষজি, সাংসদজি নে বল রে থে সুবহ মে কি ফার্মার সুইসাইড করতে পুরা দেশ মে। অধ্যক্ষজি, আপকো বলনা চাহতি হু, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি মে 11 करोड़ किसानों को 6000 सम्मान निधि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से उसका अकाउंट में चला गया है। इसमें उनका गुस्सा है क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, बीच में कोई नहीं है, लूटने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, इसलिए बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में कृषक किसान लोगों को कुछ दाम उसका फसल को नहीं मिलता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारा किसान सुइसाइड किया है। 1.75 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समृद्धि केंद्र हमने खोले हैं, हमारी सरकार ने खोले हैं। 8000 किसान एफपीओ नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। अध्यक्ष जी, किसानों पर और उनके विकास पर वो लोग बात करेंगे जिसके फसलों का कीमत का उत्पादक में से भी वो काटमनी लेते हैं। हम लोग एक वीडियो वायरल हुआ था, किसान ने मंडी में आया था और पुलिस ने सर 2 मिनट किसान आया था और पुलिस ने उसको धमकी दे रहा था कटमनी देने के लिए। अध्यक्ष जी, सांसद ने कह रहे थे कि ये सरकार में ट्रेन है लेकिन ट्रैक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूँ 25,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया है इस भारत में। अगर उसको विश्वास ना हो, मुझे लगता है स्वयं वो पैदल चलकर माप सकती है, ट्रैक मापो यात्रा बोल के। 3 दशक के बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पेरित हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नारी के लिए बजट में वित्त मंत्री जी ने नारी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान करे हैं, जैसे लखपति दीदी योजना का लक्ष्य जो शुरुआत में 2 करोड़ महिला के लिए निर्धारित किया गया था उसे बढ़ाकर 3 करोड़ महिला के तक कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने 83 लाख स्वयं सहायता समूह द्वारा निभाई गए भूमिका पर जोर दिया, जिससे देश भर में 9 करोड़ महिला को जीवन पर सामूहिक प्रभाव पड़ा।
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को टीकाकरण हुआ। आयुष्मान के फायदा अभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश को 3 करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54,000 करोड़ रुपया डाले गए हैं। अध्यक्ष जी, महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी मणिपुर के लिए बात कर रहे थे, 2 दिन पहले मालदा में 10 साल के बच्ची के साथ जो हुआ है उसको अत्याचार करके उसको हत्या कर दिया है। और उस टाइम ममता बनर्जी, उस टाइम मुख्यमंत्री मालदा में थे, वो राजनीतिक समीकरण के लिए कांग्रेस के साथ क्या करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके ऊपर उसका प्रायोरिटी था। लेकिन उस दिन वो बच्ची निखोज था, अभी उसका डेड बॉडी पुलिस ने निकाला। वो लोग बोल रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा है। मालदा में एक वीडियो वायरल हुआ था अध्यक्ष जी, 2 महिला को विवश करके पूरा पुलिस के सामने घुमा रहा था, लेकिन अभी तक उसको विचार नहीं मिला था। अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी की कंसिडर्ड ए विजनरी एंड फ्यूचरिस्टिक लीडर फॉर सेवरल रीजन्स। हिज एम्फेसिस ऑन इनिशिएटिव्स पीएम लाइक स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया, Clean India reflects a forward-looking approach. Additionally, his focus on renewable energy, infrastructure development, and effort to strengthen India's global standing showcase a commitment to long-term progress and modernization. Mohapurush jokhon ashe, tokhon birodhi niyei ashen. Noile ashar kono tar sarthokota nei. Ha Raghunandan pan pirite, tum bin jiyat bahudin bite. 500 साल का लड़ाई के बाद, 500 साल लड़ाई के बाद अध्यक्ष जी अयोध्या में रामलला आए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोलते हैं राम है, सीता कहाँ है। अरे रामलला अयोध्या में वो बच्चे हैं, वो आए हैं, सीता का भी मंदिर है। वो बोलते हैं पश्चिम बंगाल में सीता को क्या, सीता को नारी शक्ति को ये लोग सम्मान नहीं देते। सीता का भी मंदिर है यहाँ पे, जानकी का भी मंदिर है, लेकिन रामलला बच्चा है ये उसको समझ में नहीं आते हैं। अध्यक्ष जी, हम देशवासियों ने वो दिन देखे जब रामलला टेंट में थे और उन्हें 1 वर्ष में केवल 7 वस्त्र की अनुमति थी, परंतु आज हम सबके रामलला को तिलक भी रत्नों से जड़ित है। आज करोड़ों भारतीयों ने आस्था के केंद्र प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में आ चुके हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है राम भारत है, राम भारत की आस्था, आधार, विचार, प्रतिष्ठा, महिमा, नेता और नीति है, राम शाश्वत है। रामा द एंशियंट ऑफ द हीरोइक एजेस, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ ऑफ मॉरलिटी, द आइडियल सन, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर एंड अबव ऑल द आइडियल सॉल, द आइडियल किंग। पिछले 10 वर्षों में भारत में अपने पूरे वैभव के साथ विकास, आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण के मामले में आसमान छुआ है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है और मैं भारत का दुनिया का सबसे महान देश बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रयास के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। एवं अवसर पर कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहूँगी। शतोबीर कत नारी सर्वोच्च भारत शीर, कत दान शतबान सर्वश्रेष्ठ भारत, पृथ्वीर वैचित्र्यमय देश बहु बेशे, अनेक युद्ध जय हासि कान्ना शेषे, युद्ध युक्त भारत मुक्त भारत, मोदेर भारत महान, रईबे देशेर जयगान पवित्र मोदेर हिंदुस्तान। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी, सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू प्रेजेंट द 48th रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। श्री जसवीर सिंह गिल जी, 4 मिनट 4 मिनट। धन्यवाद जी। सर धन्यवाद, आपने मेरे को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पे बोलने